तो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा तर मचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन से रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्काउट, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कह रहे थे कि मुझे स्काउट का रोल एक बार ट्राई करना चाहिए। तो फिर क्या भाई, तुमने बोला मैंने ले लिया। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बन चुका हूँ स्काउट और मेरे पास दूर दृष्टि वाली पावर है, मतलब मैं दूर दूर तक देख सकता हूँ अपने स्किल से। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कौन सा टास्क है। भाई यार डेटा अपलोड, भाई मैं डेटा अपलोड करके अपनी जनता को बोर थोड़ी करूंगा यार। तो फिलहाल यहाँ पर इम्पोस्टर देता है कैफेटेरिया का सपोर्ट है। मैं सोचता हूँ भाई चलते हैं एडमिन में, क्योंकि एडमिन में मेरा टास्क है और मैं यहाँ पर कार्ड स्वाइप वाला टास्क करके फटाफट अपना स्किल एक्टिव कर लूंगा और दूर दृष्टि वाली पावर से मैं देखूंगा कि भाई इलेक्ट्रिकल में क्या हाल चल रहा है, क्योंकि इंपोस्टर भी किल करने वाला होगा, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। अबे ये येलो पिंक का पीछा क्यों कर रहा है? ये येलो इंपोस्टर है क्या? अबे येलो का बच्चा, अबे यार येलो का बच्चा है कि इंपोस्टर तो पकड़ा गया। अब मैं यहां पर थोड़ा वेट करता हूं, देखता हूं कि गेम में डॉक्टर है या नहीं। वैसे तो गेम में डॉक्टर है, पर मैं बॉडी रिपोर्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे भाई येलो की पोल भी तो खोलनी है ना, और येलो बाउंटी हंटर भी हो सकता है। तो देखो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, मैं तुम्हारा स्काउट हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा स्काउट हूं, सारे के सारे येलो को वोट करके निकालो, ठीक है, सारे के सारे येलो को वोट करके निकालो, येलो तुम्हारा डिमेंटर या फिर बाउंटी हंटर है, ठीक है। मैंने स्काउट करके देखा है, येलो ने इलेक्ट्रिकल के बाहर पे किल करा है, ठीक है डॉक्टर भाई साहब, आई एम सॉरी, ठीक है डॉक्टर अगर आप जिंदा हैं तो आई एम सॉरी, पर सारे के सारे येलो को वोट करके निकालो, येलो तुम्हारा बाउंटी हंटर भी हो सकता था, वो मुझे भी किल कर सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने बॉडी रिपोर्ट करी है। तो अभी सारे के सारे येलो को वोट करो, येलो है तुम्हारा इम्पोस्टर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखो यार यहाँ पर मैं सबको बता देता हूँ कि भाई येलो तुम्हारा इम्पोस्टर और येलो को वोट करके निकाल दो, और डॉक्टर साहब अगर आप जिंदा हैं तो आई एम सॉरी, क्योंकि देखो यार येलो तुम्हारा बाउंटी हंटर भी हो सकता था, अगर मैं बॉडी रिपोर्ट ना करता तो येलो हो सकता था किसी और को भी किल कर दे। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे मीटिंग में पता चल चुका है ये बात कि जो ऑरेंज है वो शायद से हमारा डॉक्टर है और जो ब्लू है वो भी शायद से हमारा डॉक्टर है, मतलब गेम में दो दो डॉक्टर हैं, ये तो भाई अच्छी बात है। और यहाँ पर येलो भाई साहब के लंबे लंबे एल लग चुके हैं, मतलब यार येलो के बचने का यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ भाई के सारे येलो को वोट करो, पर यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते। अरे भाई क्या कर रहे है भाई ग्रीन, तू क्यों रिपोर्ट की बॉडी को, मैं डॉक्टर हूँ अपना, मैं डॉक्टर हूँ, छोड़ तेरे को इंपोस्टर का पता तो लग गया ना, अभी अभी वो येलो को वोट करो, मैं अपना डॉक्टर हूँ, ठीक है मुझे मार्क कर लो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा दो रिवाइव का ऑप्शन हो गया, मेरे पास मेडबे स्कैन भी है, जिसको अगर शक हो रहा है मेरे पे, मेरे पास मेडबे स्कैन भी है, आ जाओ देखने को, मैं डॉक्टर हूँ, येलो को निकालो निकालो येलो को निकालो। हाँ मैं बाउंटी हूँ, पर ब्राउन घाउल है, ब्राउन को इसके बाद निकाल दो, ब्राउन घाउल है, ब्राउन को निकाल दो, ब्राउन वो आ रहा था बॉडी खाने पर मुझे देख के फिर वो पीछे मुड़ गया, मतलब आगे निकल गया बॉडी पे, आने के लिए आ रहा था, भाग के आया था, जंप भी लगा के आया था, तो ब्राउन अभी मुझे निकालो, उसका फिर मीटिंग बुला के ब्राउन को निकाल दो, ब्राउन घाउल। देखो भाई मैं शरीफ हूँ, ओके, अगर समझो मतलब अगर तुम लोगों को अगर थोड़ा डाउट है येल्लो ने नहीं मारा तो मैं येल्लो को मार के देखता हूँ। अभी ये पर्पल का बच्चा क्या नोबड़ा पंथी कर रहा है यार, मैंने यहाँ पर बोला ना कि मैं स्काउट हूँ, मैंने देखा येलो को किल करते हुए, तो सारे के सारे बंदे येलो को वोट करो, पर पर्पल भाई साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी येलो को मत करो, येलो पर अगर कंफर्म नहीं हो तो रहने दो, मैं शरीफ हूँ, मैं येलो को किल करके चेक कर लूंगा, और अगर डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब पर्पल को रिवाइव कर देंगे, कोई सेंस है इस बात में, मतलब कुछ भी। तो फिलहाल पर्पल से अभी थोड़ी देर के लिए साइड हटते हैं और यहाँ पर कुछ बंदे अपने रोल्स बताते हैं, जैसे कि पर्पल बोलता है कि वो शरीफ है, येलो बोलता है कि वो बाउंटी हंटर है, और येलो ये भी बोलता है कि जो ब्राउन है ना वो शायद से घाउल है, अगर तो याद होगा तो जब मैं बॉडी रिपोर्ट कर रहा था ना तो बॉडी के जस्ट बगल में ब्राउन खड़ा था, तो हो सकता है कि ब्राउन हमारा रियल का घाव लो, और येलो की ये वाली बात सच हो, पर जो भी है यार पहले सबसे पहले निकालना यहाँ पर बाउंटी हंटर को जरूरी है, क्योंकि घाउल ने अभी तक एक भी बॉडी नहीं खाई है, और घाउल को हम लोग अगले मीटिंग में देख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अभी सारे के सारे येलो को वोट करो, तो चलिए देखते हैं येलो को कितने वोट पड़ेंगे। अरे यूपी भाई क्या बात है, तो यहाँ पर येलो को बहुत सारे वोट पड़ चुके हैं और येलो हमारा मीटिंग से बाहर निकल चुका है, और सिंपल सी बात है यार एक्सपर्ट मैच लिखा हुआ आएगा नहीं, पर हम सबको पता है कि येलो है हमारा इम्पोस्ट, क्योंकि हम सब ने उसे किल करते हुए देखा यार। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना किसी सेफ बंदे के साथ रह जाए, ठीक है, और ऑरेंज यहाँ पर मीटिंग में कह रहा था कि वो है हमारा डॉक्टर, पर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना सबसे पहले चल करके लाइटें ठीक करी जाए, क्योंकि अभी गेम के स्टार्टिंग में इंपोस्टर का इलेक्टिव रहता नहीं है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाए जो फटाफट लाइटें ठीक करी जाए। अभी ये क्या इंजीनियर है गेम में, शायद से इंजीनियर ने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिक्स कर दिया, मेरे तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई ठीक करने की लाइट। लेकिन ये ब्राउन भाई साहब मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, शायद से ब्राउन मुझे पहचान लेते हैं, वैसे ब्राउन का मेरे कपड़ा काफी सेम है यार। नहीं लेकिन यार गेम में ग्लूटोनी भी, इसलिए मैं
फटाफट यहाँ पर मीटिंग बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे काफी खतरा हो सकता है और मैं यहाँ पर गेम प्ले शूट कर रहा हूँ। अबे रेड किल भी हो गया भाई, डॉक्टर फिर मेरे पे चिल्लाएगा। चलो फिर देखो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ। यार मैंने मीटिंग इसलिए बोला है क्योंकि ब्राउन मेरा पीछा कर रहा था रिएक्टर के अंदर तक, तो मुझे लगा ब्राउन इम्पोस्टर हो सकता है, इसलिए मैंने मीटिंग बुला दी। ब्राउन अपना रोल लिख दो फटाफट। सॉरी भाई, सॉरी ऑरेंज, सॉरी मेरे भाई, पर यार मुझे नहीं पता था यार किल हो गया, मुझे नहीं पता था यार, सॉरी मेरे भाई। अच्छा काम करो ना, ऑरेंज तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? ऑरेंज तुम मेरे साथ रहो, मैंने इम्पोस्टर को निकलवाया तो मैं सेफ बंदा हूँ, ठीक है? तो एक काम करो, ऑरेंज मेरे साथ रहो, मैं फिर मीटिंग नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? अभी ब्राउन रोल बोलो वरना ब्राउन को निकालो, ठीक है? ब्राउन रोल बोल दो वरना। अरे भाई यार क्या है भाई, अभी मेरे को एरो दिखा भाई, मैं डॉक्टर हूँ अपना, शेरीफ हूँ ना, शेरीफ, शेरीफ और मैं साथ में रहते, शेरीफ को निकल बता दो भाई, मैं अपना ये हूँ डॉक्टर, ठीक है? मैं अपना डॉक्टर हूँ, अभी एरो दिखा था भाई, अभी मैं रेड को रिवाइव करने को जा रहा था। क्यों बुला थे भाई मीटिंग, क्यों बुलाया है? अरे भाई मुझे निकाल दो वैसे, युवराज भाई। थैंक्स, लव यू, जीत गया भाई, मुझे निकाल दो, मैं गांव में पहले बता दे। तो देखो यार यहाँ पर ब्राउन चाहता तो अपना फेक रोल बता करके शायद से बच भी सकता था, पर ब्राउन ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो ब्राउन की इस कुर्बानी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना। और यहाँ पर पता है क्या, ब्लू मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैंने बॉडी नहीं रिपोर्ट करी, पर मैंने मीटिंग बुला दी और शायद से उस टाइम में किल हुआ था, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि अभी तुरंत तैयार हुआ था भाई और मैंने मीटिंग बुला दी। तो मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि उस टाइम किल हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए हम सारे वोट करते हैं ब्राउन को, और ब्राउन को वोट करके मीटिंग से निकाल देते हैं। और ब्राउन था हमारा घाव बोल, क्योंकि उसने मीटिंग में खुद बोला था मेरे भाई। और मेरे हिसाब से गेम में अभी बचा है एक इम्पोस्टर और एक ग्लूटोनी शायद से। तो फिलहाल यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ऑरेंज तू और मैं साथ में रहेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, मैं बॉडी भी रिपोर्ट नहीं करूंगा, मीटिंग भी नहीं बुलाऊंगा और तेरे साथ रहूंगा, तो तू भी सेफ रहेगा और मैं भी सेफ रहूंगा। तो यहाँ पर शायद से पर्पल और ब्लू भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी टीम काफी बड़ी हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम सब साथ में रहते हैं, लाइटें गायब हो जाती है, पर मैं इस बार लाइटें ठीक करने नहीं जाने वाला मेरे भाई, क्योंकि मैं इन सब के साथ हूँ ना। ओके, तो यहाँ पर मेरा स्किल भी चार्ज हो चुका था, मैं फटाफट यहाँ पर लुकआउट करके देखता हूँ कि कौन से बंदे कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर ब्लू चला जाता है, पर पर्पल और ऑरेंज यहाँ पर साथ में है, तो मैं यहाँ पर किसी भी बंदे को खेला नहीं छोड़ने वाला, मैं अभी इन सबके साथ ही रहता हूँ। तो यहाँ पर शायद से ब्लू को या तो कोई एरो आया होगा या फिर ब्लू यहाँ पर लाइटें ठीक करने के लिए गया। ओके, यहाँ पर मुझे पर्पल मिल चुका है और लाइटें भी आ चुकी है, तो यहाँ पर ब्लू भी मिल चुका है, इसका मतलब अभी तक कोई भी बॉडी किल नहीं हुई। अभी ये क्या गेट बंद हो गया, ऑरेंज उस पार है गेट के। देखो यार मैं सोच रहा था कि यहाँ पर फटाफट मीटिंग बुला देते हैं, ठीक है? पर मैं अगर मीटिंग बुलाता ना तो ब्लू पक्का मेरे पे गुस्सा करता, तो ब्लू डॉक्टर है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लू के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ और मैं बिल्कुल मीटिंग नहीं बुलाता। ओके, यहाँ पर ऑरेंज अभी तक तो सेफ है। तो देखो यार शायद से अभी कोई किल हो नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर साहब कोई एरो आ नहीं रहा, तो शायद से इम्पोस्टर हो सकता है कि ऑफलाइन हो गया हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैं, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू हम चार तो सेफ है, क्योंकि हम चारों तो गेम के स्टार्टिंग से भाई साथ में घूम रहे हैं ना, तो हम सब तो इम्पोस्टर हो ही नहीं सकते। अभी ये सियान का बच्चा कहाँ से आया, सियान कोई किल विल करके आ रहा है क्या ऊपर से? चलो भाई चेक कर रहा तो बनता है ना, वैसे इन लोगों शायद से एरो नहीं आई, तो शायद से अभी तक कोई बॉडी किल नहीं। ओके, यहाँ पर ऑरेंज टास्क कर रहा है, मैं भी चलो फिर कोई टास्क कर ही लेते हैं, क्योंकि खाली बैठे हैं अपन, शायद से इम्पोस्टर ऑफलाइन है, तो टास्क ही करके कम से कम गेम जीत जाते हैं यार। और देखो यार यहाँ पर हम तीन चार जन साथ में, इसलिए मैं मीटिंग नहीं बुलाता, पर भाई जब गेम इतनी लंबी खींच जाए ना तो तुम लोग मीटिंग बुला देना। ओके, यहाँ पर मैं लुकआउट करके देखता हूँ, यहाँ पर सियान है इलेक्ट्रिकल के अंदर और लाइटें आ चुकी है, इसका मतलब सियान शायद से हमारा सेफ प्लेयर है, वो तो इम्पोस्टर शायद से नहीं हो सकता। तो इम्पोस्टर है कौन यार, सारे के सारे बंदे तो ऑनलाइन ही बैठे हैं, कोई किल हो क्यों नहीं रहा मेरे भाई, इम्पोस्टर क्या कर रहा है यार? अगर तुम्हें पता है कि इम्पोस्टर कौन है तो अभी कभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे जाकर बताओ, देखते हैं तुम लोग कितने प्रो हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लूटोनी का बच्चा सबको खा गया हो। ओके, तो वाइट इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, लेकिन एक सेकंड, क्या तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिकल का गेट बंद हुआ था तो इलेक्ट्रिकल के अंदर मेरे अलावा तो कोई नहीं था, तो ये पर्पल का बच्चा वेंट के पास से निकला कैसे, इसने वेंट करा क्या? देखो फिर यहाँ पर मीटिंग में मैं क्या बोलता हूँ, वैसे तो गेम में इंजीनियर भी है। ओके, तो हमारे डॉक्टर साहब मर चुके हैं, पर्पल अपना रोल बोलना, तो पर्पल ने वेंट करा है, पर्पल ने वेंट करा है, पर्पल ने इलेक्ट्रिकल में वेंट करके आया, पर्पल रोल बोलो अपना, तो पर्पल भाई रोल बोल दो। तो और डॉक्टर साहब मर गया, ठीक है? ब्लू डॉक्टर था, ब्लू मर गया, वैसे मुझे पता नहीं था मर गया, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई। पर्पल रोल बोल दो भाई, पर्पल ने वेंट करा है, पर्पल ने वेंट करा है, और पर्पल, अबे शरीफ ऐसा कैसे हो सकता है, तूने वेंट करा है भाई, तूने प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के अंदर वेंट मार के आया, तू फंस गया सीएम। पर्पल तू वेंट मार के है, क्या बोल रहा है भाई तू? तो देखो यार यहाँ पर बेचारा पर्पल तो फंस चुका है और पर्पल की पोल यहाँ पर मैंने खोल दी है। तो देखो यहाँ पर पर्पल बेचारा जाने से पहले क्या बोलता है, क्योंकि वो सुनना भी तो जरूरी है ना। मैंने वेंट नहीं किया है एंड मुझे पता नहीं यार क्यों बोल रहा है, मैं तो इलेक्ट्रिकल में ही था। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। अरे पर्पल को करो भाई, पर्पल ने वेंट करा है मेरे भाई, पर्पल प्रॉपर वेंट करके इलेक्ट्रिकल के अंदर से है।
मतलब भाई पर्पल यहाँ पर माइक के बोलता है कि ग्रीन भाई तू क्यों झूठ बोल रहा है, मैं तो इलेक्ट्रिकल में पहले से था, मैंने तो वेंट करा भी नहीं। मतलब भाई बेचारे को देख रहे हो कितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब भाई एक तो शरीफ होकर के भी वेंट करके आता है और पकड़ा जाता है तो झूठ बोलता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सबको बता देता हूँ कि भाई पर्पल तुम्हारा इम्पोस्टर है और पर्पल को वोट करके निकाल दो। तो फिर देखते हैं पर्पल के निकलने के बाद गेम बचेगी या फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्लूटोनी भी तो है ना। अरे उब्बी भाई क्या बात है, गेम तो खत्म हो गई। तो इसी के साथ हमारी आज की स्काउट की गेम प्ले हो चुकी है सक्सेसफुल। तो देखो यार यहाँ पर मैंने दोनों इम्पोस्टर को पकड़ा और दोनों इम्पोस्टर को निकलवाया, पर फिर भी मुझे MVP नहीं मिली। पर चलो कोई बात नहीं, जीत तो मिल गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो इसी के साथ हमारी आज की गेम प्ले हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक। हम आपसे मिलेंगे सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी तो जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।